आज मैं लाया हूँ आपके लिए गुस्सा वाले कुछ सेंटेंसेस जिसका ट्रांसलेशन न सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि इस तरह के सेंटेंसेस हमारे डेली लाइफ में रोज बोले जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि आप गुस्सा वाले सेंटेंसेस को कैसे कैसे बोल सकते हैं। अगर आपको कहना हो वह गुस्से में है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज एंग्री या ही इज इन एंगर। आप ये भी कह सकते हैं ही इज इन बैड मूड, he is in bad temper, he is out of temper, he is filled with anger, यानी वह गुस्से में है। तो आपने यहाँ देखा कि वह गुस्से में है के लिए आप इनमें से कोई एक सेंटेंस बोल सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको कहना हो गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे his face flamed still redder। आप ये भी कह सकते हैं his face was ablaze with anger या his face flamed with anger। इन तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग है गुस्से से उसका चेहरा लाल हो उठा या लाल हो गया। अगर आपको कहना हो गुस्से से उसकी आंखें चमक उठी तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे his eyes flashed fire या फिर आप ये कह सकते हैं his anger flashed out यानी गुस्से से उसकी आंखें चमक उठी। अगर आपको कहना हो वह गुस्से से फट रहा है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He is bursting with anger। अगर आपको कहना हो वह गुस्से से थर थर रहा है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He is trembling with anger। यानी वह गुस्से से थर थर रहा है, उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे His eyes are full of fire। यानी उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई हैं, उसका दिल गुस्से से भरा हुआ है। His heart is filled with anger। वह गुस्से से आग बबूला हो रहा है। He is boiling over with rage। यानी वह गुस्से से आग बबूला हो रहा है। अगर आपको कहना हो वह तुरंत गुस्सा हो जाता है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He is touched to the quick। यानी वह जल्द गुस्सा हो जाता है। अगर आपको कहना हो वह गुस्सा हो गया तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He became angry या He got angry या He grew angry या He grew furious। यानी वह गुस्सा हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने शानदार तरीके से सीखा कि गुस्से वाले सेंटेंसेस को कैसे जाहिर करना है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसे शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए।